बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुबह खान, प्रेजेंटिंग माय 17th लेक्चर ऑफ क्लास 1 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 5, आवर लाइव्स, लेसन नंबर 10, बीइंग गुड, पेज नंबर 42 प्लस वर्कशीट। आई एम शोइंग यू योर बुक टाइटल पेज। ओके, लेसन नंबर 10, बीइंग गुड। अब बीइंग गुड हमारे पास क्या है और हम कैसे अच्छे बन सकते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स टू बी गुड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें टू बी गुड इन योर लाइफ। और आपने क्या करना है, लिसन मी वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स इन योर लाइफ। आपने अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये नहीं कि जस्ट आपने रीड आउट कर लिया और सुन लिया, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। क्या करना है, टू बी ऑन टाइम, वक्त पे पक्की पाबंदी करनी है। हर जगह वक्त पे जाना है, और जो लोग वक्त पे जाते हैं, हर जगह वक्त पे पहुंचते हैं, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी समझी जाती है। और जो लोग वक्त पे नहीं पहुंचे, लाइक आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे स्कूल लेट पहुंचते हैं, क्लास में लेट पहुंचते हैं, लेक्चर स्टार्ट हो चुका होता है और क्लास में पहुँचते हैं, तो उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती। उनका एक टैग बन चुका होता है कि ये बच्चे डेली बेसिस पर लेट आते हैं। और रेगुलर स्टूडेंट्स का भी इसी तरह होता है कि जो टाइम पर पहुंचते हैं और टाइम से पहले पहुंचते हैं, उनकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। टू शो रिस्पेक्ट टू एवरीवन, यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, ठीक है। ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा। आइदर दे आर योर सिबलिंग्स, यंगेस्ट सिबलिंग्स और एल्डर, आपके बड़े हैं या छोटे हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट से दे बात करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपसे उसी तरह से बात करेंगे। आप कभी ट्राई करके देख सकते हैं, इवन एनिमल्स के साथ भी अगर आप प्यार से बात करेंगे और रिस्पेक्ट से बात करेंगे, वो भी आपको उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे। सो रिस्पेक्ट आपने सबकी करनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है टू वेट फॉर योर टर्न, अपनी वेट का, अपने टर्न का वेट करना है, यानी अपनी बारी का इंतज़ार करना है। क्यू में अगर आप खड़े हो, जैसे लाइक आप कैंटीन में कभी खड़े होते हो तो आपसे वेट नहीं हो रहा होता, आप एक दूसरे को पुश करने लग जाते हो, इस तरह सामने वाला भी गिर सकता है, पीछे वाले भी गिर सकते हैं, पूरी लाइन डिस्टर्ब हो सकती है। सो अपनी टर्न का वेट करना सीखें। टू कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी, अपने आप को भी क्लीन अप रखें, क्योंकि आप अच्छे से क्लीन अप रहेंगे तो ही आप सामने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो। गंदे और अनटाइडी लुक दोगे तो कोई भी आपको फ्रेंड बनाना पसंद नहीं करेगा। अपने कटिंग, अपने क्लोथिंग, अपने नेल्स, अपने सब चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। टू वर्क हार्ड एंड बी गुड, वर्क हार्ड का मतलब ये है कि अपने हर काम में अच्छे से रहें, लाइक टू केयर ऑफ थिंग्स, अच्छा अपनी चीज़ों का ख्याल भी रखें। ये नहीं कि आपने अपने शूज़ फेंक दिए हैं, अपने बैग्स उठा के फेंक दिए हैं, कहीं पर भी अपनी चीज़ें आपने फेंक दी, ऐसे नहीं करना। अपनी चीज़ों को प्रॉपरली उनकी प्लेस पर रखें। और वर्क हार्ड करें, यानी अपने स्कूलिंग के लिए वर्क हार्ड करें, अपने घर के लिए वर्क हार्ड करें, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और उनके साथ अच्छा बिहेव करें। बी गुड, आप अच्छा बिहेवियर से ही बन सकते हो, ठीक है। वी हैव रूल्स टू कीप अस सेफ, यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें सेफ रख सकते हैं, एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डोंट प्ले विद द मैचेस, मैच बॉक्सेस के साथ आपने नहीं खेलना। लाइक अगर आप फायर जलाते हो, अगर आग जलाते हो, तो क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में भी आग लग सकती है, आपको भी हर्ट हो सकता है। क्रॉस द रोड इन अ सेफ प्लेस, सेफ प्लेस कैसे हो सकती है कि आप सिग्नल को पहले देखेंगे कि अगर वो रेड है तो आप ज़ेबरा क्रॉसिंग के थ्रू और फुटपाथ के थ्रू आप उस पर क्रॉस करें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि जब सिग्नल रेड हो, नहीं तो आप ब्रिजेस यूज़ करें। बिजी रोड पर कभी भी आप रोड क्रॉस मत करें। इट्स योर होमवर्क ऑफ माई बॉडी, आपने क्या करना है, इनके आपके पास अगर ये पिक्चर अगर आपको मिल जाती है तो ये पिक्चर पेस्ट कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इनके जस्ट लेबल, इसके जो नेम्स हैं वो 1, 2, 3, 4 करके अपनी नोटबुक्स पर लिख सकते हो। ऊपर आप वर्कशीट लिखो, माई बॉडी लिखो और यहाँ पर आप लिख दो, ठीक है। क्या है, फर्स्ट, थर्ड, 3, 4 आई हैव डन फॉर यू, क्या है सबसे पहले यहाँ पर, नेक, चेस्ट, एल्बो, शोल्डर, ठीक है। माई बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर्स, हमने पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में। यहाँ पर ये क्या, ये हेड होगा, ये क्या होंगे, ये आपको पता है तो आप लिख लेना नोटबुक्स पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।